डियर ट्विन फ्लेम्स, कैसा फील कर रहे हैं आप सब? है ना कुछ नशा सा इन हवाओं में, है ना कुछ करने की अलग सी चाहत आप में? हो रहा है कहीं दूर उड़ चले, जहां आपको सिर्फ आपकी जरूरत हो, जहां आप हो वहीं हेवन लगने लगे। द फीलिंग इज अनडिस्क्राइबेबल एंड अनफॉरगेटेबल। द एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल, कुछ करिश्माई सा, कुछ बहुत ही अच्छा सा, रूहानी सी, कुछ मैजिक। वहीं बबल ऑफ फेज, जैसे फिर से जी रहे हैं आप। ये वाली एनर्जी है, ये वाली फीलिंग है ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की। आज का वीडियो बेस्ड है ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, उसके साथ साथ कुछ चैनलिंग भी, और आप सबके लिए, आप सब ट्विन फ्लेम्स के लिए ये खबर है कि जो 88 पोर्टल में जो ह्यूज रियूनियन होने वाला है, उसके लिए आपको अभी क्या प्रिकॉशन करना होगा, इस पर बेस्ड है आज का वीडियो। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बट इन दिस टाइम वो पागलपन नहीं, वो लस्ट वाली लव नहीं, सिर्फ स्पिरिचुअल लव। इस चैनलिंग को जो जो रेजोनेट कर रहे हैं उनके लिए 88 पोर्टल समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मिरेकल लेके आएगा, जिसे आप सिर्फ महसूस कर पा रहे होंगे, शब्दों में बता पाना मुश्किल है। इट्स ट्रूली द मोस्ट यूफोरिक येट पीसफुल एक्सपीरियंस दैट यू हैव एवर नोन। तो अभी की एनर्जी कंप्लीटनेस वाली फीलिंग है, जहाँ आप कनेक्टेड हैं डिवाइन के साथ। एक हाथ आपने ईश्वर का और दूसरा हाथ आप अपने ट्विन फ्लेम का एनर्जेटिकली पकड़े हुए हैं। ईश्वर ने इस कनेक्शन को कैसे रचा है? इट फील्स जस्ट लाइक द टू वाटर ड्रॉपलेट्स आर कनेक्टेड थ्रू द डिवाइन एसेंस एंड बोथ आर एनर्जेटिकली वन। ट्विन फ्लेम लव प्योर डिवाइन कनेक्शन है और स्पिरिचुअल ग्रोथ के पर्पस के लिए ही आपको दिया गया है। याद कीजिए जब आप बबल लव फेज में थे, इट फेल्ट लाइक यू वेयर इन अनदर टाइम, अनदर डायमेंशन एंड स्पेस, सो मैजिकल, सो प्योर। आप दोनों ट्विन फ्लेम कभी सेपरेट नहीं हो सकते, सेपरेशन इज एन इल्यूजन। अभी की एनर्जी होली ट्रिनिटी फॉर्म होने की एनर्जी है। होली ट्रिनिटी मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन एंड ऑफ कोर्स गॉड। अभी की एनर्जी में दोनों ट्विन फ्लेम एंड गॉड की एनर्जी मिलकर तीन प्योर एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा आप और आपके ट्विन फ्लेम एंड गॉड तीनों अलग नहीं हैं। आपका आपके ट्विन फ्लेम के लिए, गॉड के लिए और खुद अपने लिए कोई कंप्लेन नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अभी एकदम जैसे हवाओं में जैसे नशा सा घुला हो, ठीक वैसी ही एनर्जी है अभी ज़्यादातर ट्विन फ्लेम की। किसी तरह का कोई शिकवा नहीं, जेन टाइप सिचुएशन में आप आ गए होंगे। आपको वननेस फील हो रहा होगा। ट्विन फ्लेम रीयूनाइट भी तभी होते हैं जब आप एकदम वननेस में आ जाते हैं, जेन स्टेट जिसे कहा जाता है, एकदम शांति, एकदम ट्रैंक्वलिटी आपके सोल में। आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपने सोल को। ट्विन फ्लेम को कम्युनिकेशंस मिल रहे होंगे, बहुत से ट्विन फ्लेम्स अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से कम्युनिकेशन मिल रहा होगा। डीएम से आपको कमिटमेंट भी मिल रहे होंगे। ओवरऑल एनर्जी पैराडाइज ऑन अर्थ वाली है। इट्स अ पैराडाइज ऑन अर्थ। ट्विन फ्लेम मीन्स एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। इसे आप सन एंड मून एनर्जी के कॉम्बिनेशन के नाम से भी जान सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी को सन एंड डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी को मून एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसलिए आपने फील किया होगा मून साइकिल का आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो टाइम है 2024, और खासतौर से वो ट्विन फ्लेम्स जो 2020 के बाद अवेकंड हुए हैं, 2020, 2021, 2022, 2023 में जो अवेकंड हुए हैं उनके लिए हाईएस्ट टाइमलाइन है रियूनियन के लिए। सो बेसिकली सबसे पहले आप 5D में रियूनाइट होंगे, उसके बाद 3D रियूनियन होता है। पर हाँ, अगर आपका आप ट्विन फ्लेम इस जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में 2020 से पहले भी, लाइक 2017, 2019, 2015 में भी एंटर किए होंगे, तो भी आपका 2024 है ये रियूनियन टाइमलाइन लेकर 100% आएगा। यहाँ ज़रूरत होगी आपको पेशेंस रखने की। अब आप बोलेंगे और कितना, ये जर्नी पेशेंस बनाए रखने की ही है।
इस जर्नी में तीन चीज़ें बेहद मायने रखती हैं, तीन चीज़ें कौन, द थ्री वर्ड्स, नंबर वन पेशेंस, नंबर टू सरेंडर एंड नंबर थ्री ट्रस्ट। ये आपको मेंटेन करना ही होगा। अभी की एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को एनर्जेटिकली पुल कर रहे हैं, सो यू नो ट्रिमेंडस मिसिंग एंड पुलिंग एनर्जी बाय डीएम। पर यहाँ डिवाइन टेस्ट है, अगर आप अब तक अपने डिवाइन मैस्कुलिन को रीच आउट करते थे और फिर ट्रिगर होकर फिर से सेम लूप में चले आते थे, तो इस बार ऐसा ना करें प्लीज़। दे विल ट्रिगर यू एंड यू फॉल ऑन द सेम लूप अगेन एंड अगेन। अगर आप बैलेंसिंग पोजीशन में सस्टेन करने लगे हैं तो यस, फिर इसका इफेक्ट आप पर उतना नहीं पड़ेगा। बट इफ यू आर स्टिल इम्बैलेंस देन इट विल इफेक्ट द मोस्ट। सो प्लीज डोंट फॉल बैकवर्ड्स अगेन एंड अगेन। अगर थोड़ी देर और आप वेट करें, दे विल रीच आउट यू सर्टेनली। डिवाइन मैस्कुलिन सर स्ट्रगलिंग विद अ डार्क क्लाउड राइट नाउ। मैस्कुलिन एनर्जी इज हैवी एंड इट विल इंटेंसिफाई डे बाय डे। होता क्या है, ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है, जहाँ पे एक ट्विन फ्लेम को अगर पेन होता है तो दूसरे को भी इफेक्ट होता है, 100% होता है। लेकिन जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे थे तो डिवाइन मैस्कुलिन इस जो इस जगत के, इस जो दुनिया के, उनके जो कर्मा है वो क्लियर करने में लगे होते हैं। अब ये बारी है डिवाइन मैस्कुलिन की सोल अवेकनिंग की। अब जब उनकी सोल अवेकनिंग होगी, वो जब हाईएस्ट पीक तक अपने सोल को ले जाएंगे, अपलिफ्ट करेंगे अपने सोल को, तो आपकी बारी होगी, आपके जितने भी कर्मा, अगर आपने कर्मा एकुमुलेट किए हैं, उसे बैलेंस करना, उसे रिलीज करना। और साथ ही साथ अगर आपने कर्मा आपका क्लीन हो चुका है, क्लियर भी हो चुका है, तो अब आपको खुद के ऊपर वर्क करना होगा। एकदम पीसफुल वाली एनर्जी। यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ। एक वो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है जो एकदम ट्रैंक्विल, एकदम सरेनिटी, पीसफुल वाली एनर्जी है, जो बिल्कुल अपने आप को आज सातवें आसमान पर ही महसूस कर रही हैं, जिनको कोई फर्क अब नहीं पड़ रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन रीच आउट कब करेंगे, और अगर रीच आउट कर भी रहे हैं और फिर से अगर रन कर लिए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आपने अपना काम कर लिया है और अब आपके ट्विन फ्लेम की बारी। ये दोनों की जर्नी है, तो इसमें दोनों को ही वर्क करना पड़ेगा, अपने अपने सोल के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अब सेकेंड एनर्जी मुझे रिसीव हुई है, सेकेंड चैनलिंग, जो वो ट्विन फ्लेम्स, वो डिवाइन फेमिनिन है जो थोड़ा सा डिसबैलेंस है और जिन्हें जिनके ऊपर मून की एनर्जी का काफ़ी असर अभी भी हो रहा है, थोड़ा थोड़ा सा हैवीनेस पर स्ट्रगलिंग वाली सिचुएशन। और उनके ट्विन फ्लेम जब आते हैं वो बहुत खुश, और जैसे ही रन करते हैं, ट्रिगर करते हैं, वो एकदम नीचे धड़ाम से उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। तो उन्हीं के लिए ये चैनल मैसेज आपके लिए, नंबर वन वाली जो डिवाइन फेमिनिन्स की जो ग्रुप है, कैटेगरी है, उनके लिए आपके लिए ये चैनलिंग है कि आप अभी एकदम पीसफुल बने रहें, और अभी जैसा आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ करते थे, ठीक वैसा ही आप डिवाइन मैस्कुलिन के साथ करें। और नंबर टू जो डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की जो कैटेगरी नंबर टू वाली जो है, जो कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने अभी थोड़ा सा अभी हेवीनेस फील कर रहे होंगे और ट्रिगर ज़्यादा फेस नहीं कर पा रहे, हैंडल नहीं कर पा रहे अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, या आप किसी भी एक्सटेंडेड जो भी फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, या कोई भी, अगर आपको अगर ट्रिगर दे रहा है, ट्रिगर कर रहे हैं, तो आप उसको हैंडल नहीं कर पा रहे, या आप खुद ही अपनी एनर्जी से ट्रिगर हो जा रहे हैं, तो ऐसे डिवाइन फेमिनिन के लिए अभी इनर वर्क पे आप बहुत जोर लगाइए, ताकि ये जो अगस्त का रियूनियन है उसमें भी आप शामिल हो सकें, रियूनियन टाइमलाइन में आप भी शामिल हो सकें। डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी इज हैवी एंड इट विल इंटेंसिफाई डे बाय डे। अभी आप डिवाइन फेमिनिन के लिए एडवाइस है, किसी भी टाइप का कोई इंटरफेयर मत करें डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ हो रहे हैं जो प्रोसेस अभी, उस पर अभी आप कोई भी इंटरफेयर ना करें। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डिवाइन प्रोसेस कर रहे हैं, तो अभी आपको इसमें बीच में कुछ भी नहीं करना। अभी अगर डिवाइन फेमिनिन ने इंटरफेयर किया तो अवेकनिंग प्रोसेस रुक सकती है। डिवाइन मैस्कुलिन को अभी एकदम अकेला छोड़ दें, सेट देम फ्री, रिलीज देम।
ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपनी वर्थ पहचानना है. यू डोंट नीड टू ड्रॉप एवरीथिंग फॉर योर डिवाइन मैस्कुलिन. ट्विन फ्लेम रियूनियन के लिए ये जरूरी है कि आप डिवाइन मैस्कुलिन को उनके पावन में आने दें. अभी आप उनके लिए वेट मत करें. डियर डिवाइन फेमिनिन, प्लीज वेट ना करें. आप अपना लाइफ लीड करें. आप डिवाइन मैस्कुलिन को तभी उनके ट्रू पावर में ला सकेंगे व्हेन यू डू द सेम एग्जैक्ट थिंग इन रिटर्न. जैसे डिवाइन मैस्कुलिन स्ट्रांगली इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, स्टेपिंग करते हैं, दे टर्न देयर बैक टू देयर डिवाइन फेमिनिन. आपको सीखना होगा डिवाइन मैस्कुलिन से ठीक वैसा ही करना. कैसे वो स्ट्रांग बने रहते हैं अपने डिवाइन फेमिनिन को रिजेक्ट करके इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ नॉर्मल 3D कनेक्शन. बिल्कुल स्ट्रांग बने रहें अभी माय बिलवेड डिवाइन फेमिनिन. टर्न योर बैक टू देम फॉर फास्ट अवेकनिंग ऑफ योर डिवाइन काउंटर पार्ट. ठीक वैसा जैसे डिवाइन मैस्कुलिन ने आपके साथ किया था और आप अवेकन हुए थे. डिवाइन मैस्कुलिन आपको रिजेक्ट किए, दे कीप पुलिंग अवे. ठीक उसी तरह से जब तक आप डिवाइन मैस्कुलिन को कम्प्लीटली फ्री नहीं करते, उनको एकदम से रिलीज नहीं करते अपने एनर्जेटिक फील्ड से, मेंटली एंड इमोशनली फ्री नहीं करते, तब तक डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग प्रॉपर वे में नहीं हो पाती. इसलिए वो कमिंग एंड गोइंग या ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में बने रहते हैं और रियूनियन नहीं हो पाता, या होता है तो मिनी रियूनियन होता है, फिर से रन कर जाते हैं. तो अभी सो फ्यूचर रियूनियन टाइमलाइन के लिए आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से रिलीज करना होगा. व्हेन द अदर पार्ट ऑफ सोल रिजेक्ट देम, इट कॉज सोल पेन, इट कॉज सोल एग्नी. ठीक वैसा ही जैसा आपने फील किया था, दे मस्ट फील द सेम सोल पेन सोल एगोनी. यहाँ से डीएम के अंदर शिफ्ट आना शुरू होता है और वो कंप्लीट डिवाइन मैस्कुलिन पावर में आ सकते हैं, जहाँ वो अपने लिए डिसीजन ले सकते हैं, सोल पर्पस में आगे आ सकते हैं, और अगर उनके साथ कोई कार्मिक है तो रिलीज कर सकते हैं. इसलिए आपको अभी किसी भी टाइप की इंटरफेयर नहीं करना है. माई बिलवेड डिवाइन फेमिनिन, आपको इस टाइम अभी अपने ट्विन फ्लेम को नर्चर, केयर, मदरली केयर या एकदम बच्चों जैसा केयर बिल्कुल भी नहीं शो करना. अभी आपको आपके जो भी आपके थॉट प्रोसेस है उस पर कंट्रोल रखना है, एनर्जेटिकली, इमोशनली, फिजिकली एंड मेंटली. अभी आपको अपने ट्विन फ्लेम से कनेक्ट नहीं करना है. इसे कोशिश करें, ये होगा. ये प्रोसेस है ट्विन फ्लेम जर्नी के फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए. ट्विन फ्लेम कनेक्शन पहले आपको तोड़ता है, फिर आप रीबिल्ड होते हैं. ठीक वैसा ही आपको डिवाइन मैस्कुलिन के लिए करना होगा, उनके फास्ट अवेकनिंग के लिए. तो उनको फेस करने दीजिए टावर मोमेंट, उनको भी थोड़ा तोड़ टूटने दीजिए, उनके सोल को पेन फील होने दीजिए जैसा आपको फील हुआ था. उसके बाद ही उनकी अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होगी और उनके अवेकनिंग के बाद ही वो जान पाएंगे उनके कनेक्शन को और रियूनियन में आ पाएंगे. तो ये है कंप्लीट चैनलिंग जो पिछले 3 दिनों से मैं रिकवर कर रही हूँ और आज मैंने आपको डिलीवर कर दिया. तो अभी के लिए 3 पॉइंट, आप कंप्लीट सरेंडर मोड में रहें, रिलीज करें अपने डिवाइन मैस्कुलिन को. पॉइंट नंबर 2, अभी रीच आउट आपको बिल्कुल भी नहीं इनिशिएट करना है. पॉइंट नंबर 3, सबसे पहले आपको अभी अपनी जो सेरेनिटी है और अपनी जो चेयरफुल एनर्जी में जो आप आ चुके हैं उसको संभाले रखना है, सस्टेन करना है. तो ये थी चैनलिंग. पर्सनल सेशन या पर्सनल रीडिंग ट्विन फ्लेम रिलेटेड, सबसे पहले तो कंफर्म कराना बेहद ज़रूरी है. अगर आप कन्फर्म्ड हैं अपने से, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन. और अगर आप कन्फर्म्ड हो चुके हैं फर्दर गाइडेंस के लिए, क्योंकि सबकी जर्नी, हाँ स्टेजेस, सबको 8 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है इस जर्नी में, पर सबके सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, सबके कर्माज अलग अलग होते हैं. इसीलिए पर्सनल सेशन या पर्सनल गाइडेंस ट्विन फ्लेम रिलेटेड या सोलमेट कनेक्शन रिलेटेड या लव रिलेटेड रीडिंग के लिए, या आप अभी इस जर्नी में कहाँ तक आ गए हैं या इन वर्क रिलेटेड अगर कोई रीडिंग चाहिए, पर्सनल सेशन चाहिए, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा.
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. बहुत बहुत खुश रहिए और इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़े. और इसके साथ ही साथ ये हमेशा याद रखें, जैसा मैं हर वीडियो में कहती रहती हूँ, इट्स अ सोल कनेक्शन, इट्स अ स्पिरिचुअल जर्नी. ओके, और इसको स्पिरिचुअली ही लीड किया जाता है, तभी आप, सो दैट ओनली यू कैन नेविगेट दिस जर्नी सक्सेसफुली. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी. गॉड ब्लेस यू. आप भी बहुत जल्द रियूनियन अचीव करें और 88 पोर्टल में बहुत बहुत इन्फ्लुएंस रियूनियन में आए, यही मेरी शिव बाबा से प्रार्थना रहेगी. ओम नमः शिवाय.